एक्सपीरियंस अबाउट वर्किंग एंड डी डी बैंक कि मैंनू जॉब किवें मिली, किवें शुरू किया, एजुकेशन बैकग्राउंड की सी, हायरिंग प्रोसैस किवें होंदा, ते हाउ वॉज लाइफ ऑन वर्क. टू स्टार्ट ऑफ, मैं ग्रैजुएशन की हुई सी इंडिया तो, पोस्ट ग्रैजुएशन करी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दे विच लंगारा तो, एंड नाल दी नाल जदों मैं कैनेडा दे विच लैंड किया, मैनूं सीगा कि मैं बैंक दी जॉब लाऊंगी. सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट कैनेडा दियाँ सर्टिफिकेशनस, बैंकिंग सर्टिफिकेशनस होंदियाँ जिहड़ियाँ, फॉर एग्जाम्पल कनेडियन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन ते म्यूचुअल फंडस दियाँ. मैं उहदे एग्जाम्स कदे नहीं दित्ते, बट आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग दैम सो दैट मैनूं पता लग जाए कि सिस्टम दे विच किवें किवें सारा कुछ, बैंकिंग सिस्टम किवें वक्खरा अपने इंडियन सिस्टम नालों. तो जो मैं रीडिंग करना, उन्होंने रीड करना शुरू किया, नाल दी नाल मैं अप्लाई करना भी शुरू करता, बट मैनू 2 साल जॉब नहीं मिली. रीजन बीइंग के बैंक कदे भी पार्ट टाइम वर्कर्स नू जॉब नहीं दिंदा. आइदर जॉब मिलेगी इंटर्नशिप ते, या फिर जॉब मिलेगी जदों तुसी वर्क परमिट फुल टाइम ते आ जाओगे. दिस वॉज समथिंग दैट आई लर्नड काफ़ी देर बाद. सो जो मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई तो उदों नाल ही मैं दुबारे टी डी दियाँ जॉब्स लिए अप्लाई करना शुरू करता. सो मैंने जी जॉब मिली सी कस्टमर सर्विस रैप की, क्रेडिट कार्ड्स बोरविंग, वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिमोट, एंड पैकेज भी वधिया सी, 9 to 5 सी, ते अपना बेसिक आ सीगा भी घर रह के काम करना, जाना कितने है नहीं. सो कम्यूट कर टाइम बच जाता सीगा, एंड दैन कोई फालतू एक्सपेंस नहीं हैगा थोड़ा कितने जाने का आन का बाहरों खाने का, बिकॉज तुम घर ही हो. सो हाई हाउ आई गॉट द जॉब, लिंकडइन ते जॉब देखी, जॉब अप्लाई की, बिगलर लैवल जॉब. सो रेजमे सिलेक्ट हो जाए तो 2 असैसमेंट्स आदि, उस तो बाद सिलेक्ट हो जाए तो HR की कॉल आँगी. HR नाल जे गुड कॉन्वरसेशन हो जाए, जे उन्होंने लगता कि बंदा वर्थ इट हैगा तो उस तो बाद इंटरव्यू लिए बुलाते. सो इंटरव्यू 40-45 मिनट्स की होंगी है. मेरे केस इवें सीगा कि मैं पहले बहुत सारिया इंटरव्यूज बैंक दियाँ दे चुकी सी, मैंने लगा सीगा कि यार ए तो नहीं मिलन लगी हैगी, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम आ एंड एवरीथिंग. सो वाई वुड दे ट्रस्ट समबड़ी वर्किंग फ्रॉम होम जिन्हों आंदा भी है नहीं बैंकिंग सिस्टम का कुछ. जो इंटरव्यू हुई तो मैं बड़ी ईजीली गलबात ईजी गलबात कर रही थी कि मैं जिमें आप नॉर्मल गलबात करते हैं, मैंने इंटरव्यू का थोड़ा फॉर्मल जहा हो के मैं आपदा लगी हुई सी. उन्होंने लगा कि यार ये तो बड़ी ईजी जी हैगी है, जो कि उन्हें बाद किया भी. से दैट वॉज वन ऑफ द रीजनस कि मैंने इंटरव्यू मिल गया, वॉज नॉट एक्सट्रा कॉशियस वाइल वॉज टॉकिंग, तो दैट हैल्पड. सो 40-45 मिनट्स की इंटरव्यू होंगी है, उस तो बाद जो शुरू होंगे वह होंगे 1-1.5 महीने का प्रोसैस, विच इज़ बैकग्राउंड चैक्स, अ बिग पार्ट ऑफ द हायरिंग प्रोसैस. हूँ बैकग्राउंड चैक के होंगे कि फर्स्ट एडवानटेज करके एक थर्ड पार्टी कंपनी हैगी जी, थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड, थोड़ा जिथे तुम फिर राइट नाउ तुम जॉब करते हैं वह बैकग्राउंड चैक करना, सिन नंबर, थोड़िया क्रेडिट रिपोर्ट्स, कॉन्सेंट फॉर्म लैने, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम कस्टमर का बहुत सारा डेटा अपने हाथ के होंदा, उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स, CVV, असं चाहिए कुछ भी लीक कर सकते हैं, राइट. सो जस्ट टू मेक टू ओ पुलिस क्लीयरेंस कॉन्सेंट फॉर्म्स पहले ही साइन करा लेंगे, इफ एनीथिंग हैपन्स जस्ट इन केस. सो टैक्स फॉर्म्स होंगे वो काफ़ी कुछ थानू बाय ईमेल HR भेजते रहेंगे, एंड मेक श्योर तुम कॉन्वरसेशन भी कर सकते हैं बाय फोन नंबर, बाय ईमेल तुम HR कॉल करके पूछ सकते हैं. सो 1-1.5 महीने का प्रोसैस आ हों, तो उस तो बाद आएगा फर्स्ट ईयर जॉब. थानू मैनू मेरे जॉब रोल दे अकॉर्डिंग मैनू स्क्रीनस भेजी गई सी, कीबोर्ड, एंड दैन दे सेंट मी अ लैपटॉप, उसते सारा इनफॉर्मेशन डेटा लॉगिन वगैरह भेजिया से उन्होंने. सो 2 महीने की ट्रेनिंग होंगी आ, सिर्फ असी नहीं होंगे, साढ़े वर्गे 10-15 जने होर भी होंगे. जिहड़ी क्लास मैं सी आई थिंक 15 जने सी, जिहदे चों 7-8 जने तो पंजाबी ही सी, तो हरेक का बैकग्राउंड वक्रा वक्रा सीगा. कुछ रीटेल चो आए सी, कुछ सिक्योरिटी चो आए सी जिहड़े रात नूं सिक्योरिटी करदे सी, कुछ टिम्स दे काम करदे सी, वॉलमार्ट दे सी, 4-5 जने वॉलमार्ट दे सी कस्टमर सर्विस मैनेजर्स. सो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड चो सारे आए, एंड दैन 2 महीने की ट्रेनिंग होंदी आ, उह तुहानूं सिखाउंदे आ बिफोर यू पुट यू ऑन फील्ड. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसैस, नॉट जस्ट TD बैंक, सारे बैंक सी, बिकॉज हायरिंग सिस्टम थोड़ा जिहा इहनां दा स्लो हुंदा आ, बिकॉज थोड़ा ट्रस्ट इशूज भी होंगे विच दे, उन्होंने होंगे भी सारा कुछ साइन करा लो, कॉन्सेंट फॉर्म्स वगैरह. सो बाकी जॉब्स रिलेटिड थोड़ा जहा लंबा सीगा सिस्टम, एंड या आई लेफ्ट द जॉब एनी वे. मैं रखी नहीं जॉब बिकॉज
ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਊਸ ਮੂਵਿੰਗ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ. ਫਿਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇਸ਼ੂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਲ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਪਰੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਲ ਰਾਦਰ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਫੀਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫੀਲਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਜਸਟ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਬਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬਿਲਡ ਐਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਸੋ ਇਟਸ ਬਿਟ ਆਫ ਟੂ ਵਰਕ ਰਿਮੋਟ ਐਕਚੁਲੀ ਐਜ ਅ ਸਟਾਰਟਰ. ਸੋ ਯਾ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬੈਂਕ. Just post any questions if you have for me. Thank you for listening. Bye. Recording stopped. Me no mandi bandi recording.